इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लव फ्रेंड कोरियन ड्रामा के बारे में। और अगर आप लोग इस कोरियन ड्रामा का इंतजार कर रहे थे तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये कोरियन ड्रामा बहुत जल्द हिंदी लैंग्वेज के साथ रिलीज होने वाली है। कब, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे इस कोरियन ड्रामा को 26 मार्च 2012 को रिलीज किया गया था और इस कोरियन ड्रामा को 29 मार्च 2012 तक कम्प्लीट कर दिया गया था। इस ड्रामा में करीब 20 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी जेनस रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा के साथ साथ स्लाइस ऑफ लाइफ भी है। और इस ड्रामा को माय ड्रामा लिस्ट पर 7.6 और आईएमडीबी पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। और इसके साथ साथ इस कोरियन ड्रामा में काफी बड़े बड़े कास्ट है, जैसे कि जैंग क्यूसुक और लिम यूना, जिन्हें हम लोगों ने काफी बड़े बड़े कोरियन ड्रामा में पहले ही देख लिया है। और इस ड्रामा की स्टोरी 70 की दशक की है, जहां पर शिव जून और यून है एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और धीरे धीरे शिव जून यून को पसंद करने लगता है, लेकिन जब शिव जून प्रपोज करने के लिए जाता है, उसी वक्त कोई दूसरा लड़का आकर यून को प्रपोज कर देता है और इस कारण से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन काफी लंबे समय के बाद किस्मत इन दोनों को फिर से मिला देती है। तो क्या इस बार शिव जून यून को प्रपोज कर पाएगा या फिर नहीं, ये सब कुछ देखने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ता है। ऐसे ये ड्रामा साउथ कोरिया की एक हिट ड्रामा है। इसका मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस लिम यूना है। और इस ड्रामा की डबिंग अभी प्रोसेस में चल रही है और इस ड्रामा के राइट्स को एमएस प्लेयर ने खरीदा है। तो इसकी डबिंग करीब एक महीना चलने वाली है और जैसे ही डबिंग कम्प्लीट हो जाएगी, इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ एमएस प्लेयर पे 1 से 2 महीने में रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसी ये इन्फॉर्मेशन है और आगे चल के मुझे जैसे भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर जरूर कर दूंगा। तो अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बचने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो चलो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।